अमरगढ़ गांव में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जबरदस्त चोरी हुई है और चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। यहाँ पर एक जबरदस्त यहाँ पर चोरी हुई है, अमरगढ़ गांव में चोरी हुई है। चोरों को अंजाम दिया है। पूर्व विधायक मानसिंह जी गुजर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये कुंडी भी काट दी गई, उधर से जाके बता। बड़ा बक्सा है, इसको कुंदे को काट कर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। और क्या आप देख रहे हैं, सारा सामान फैला पड़ा है। क्या क्या सामान, क्या सामान? तो पूरा जेवर था। और क्या क्या सामान? जेवर दो तो हार थे, चूड़ी थी, कम से कम 17-18 लाख रुपये का जेवर था। 17-18 लाख का जेवर और चांदी थी। फिर पूरा पड़ा ना, आप देख लो वहाँ पर चल के। आप लोग कहाँ थे? मैं तो गंगापुर था, मेरे काका जी भी रहते हैं यहाँ पे। ताला लगा हुआ था क्या? हाँ, ताला लग रहा था। नहीं, कटरा में ताड़े पड़े। कितने बजे सूचना लगी थी आपको? मुझे सुबह 5 बजे लगी थी। कुल मिला के कितने लाख का माल गया? आप लगा लो 2017 में वो बनवाया था तो 7 लाख रुपए का बना था। 2017 में कितने चांदी के जेवर थे, कितने किलो के? 2017 में बनवाया था, 7 लाख रुपए का बना था। और मेरी शादी थी 2017 में, तो दो भाई का जेवर था पूरा, वो पूरा गया। और कुछ चांदी वांदी थी ऐसे। देख रहे हैं आप, अंजाम दिया है अमरगढ़ गांव में। और पूरे गांव वाले भी और पूर्व विधायक मानसिंह जी भी है। सर क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, जिस प्रकार का गंगापुर के अंदर जो चोरियां और गंगापुर के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, ऐसा लगता है कि गंगापुर में पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, चोरों के अंदर कोई भय नहीं। आम आदमी रात को सो भी नहीं सकता। और जिस प्रकार से यहाँ लाला भाई की यहाँ चोरी हुई है, अपने आप में बहुत बड़ी चोरी है। आदमी जीवन भर की कमाई, इनके मम्मी पापा की, इनकी खुद की शादी में सब कुछ लगा दिया। और ये पूरा ये उनकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका छोटी मोटी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन बड़ी चोरी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में, क्योंकि रास्ते में अभी पुलिस की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, थोड़ी देर में आ जाए, लेकिन एक बार इस मुआयना करके ढंग से इस मामले का खुलासा करें। और इनके प्रति हमारी गहरी नाराजगी है। पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। बड़ी चोरी हुई है, गांव वालों का सबका सहानुभूति है, लेकिन गांव वाले तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव में शांति रहे। पुलिस ने अपनी मुखबिर और अपनी जो पेट्रोलिंग है बिल्कुल बंद ही कर दी है, केवल बजरी की उगाई में लगे रहते हैं। और उधर भी अमर कौन से गाँव है? अमरगढ़। और किसके मकान में चोरी हुई है? लाला अमरगढ़ के सरपंच साहब भी हैं ये। और इनके घर में मकान चोरों ने निशाना बनाया। पूरे गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ पे और सामान? ये यहाँ पे चोरी करके, चोरी चोर ले जाके, और नीचे हनुमान जी का मंदिर है उसके पास में ही उनने पूरे जेवर निकाले हैं। और उसमें जेवर में बैग में रखे खाली बॉक्सों को वहीं पटक गए। वो आपको मौका मायने अब दिखा दिया जाएगा। वहाँ पे पड़े हैं बक्से भी? हाँ, बक्से वहीं पड़े हैं ऐसे कैसे ही आपके वहाँ। और जेवर लेके खाली बक्से पड़े हैं ऐसे निकाल के छोड़िए सर। लाइट नहीं? आप उधर चलिए, लाइट चल रही है। देख रहे हैं बक्सा भी, ये पलंग तो वो भी चोरों ने खंगाला है। और गोदरेज की अलमारी को भी तोड़ा है। लॉक तोड़ दिया इसका।
उनको दिखा के लाओ चलो। पड़ोस में ठाकुर के घूम जाओ। ठाकुर में क्यों भी है क्या? एक मिनट एक मिनट को एक बार एक मिनट है ना एक बार।